ये श्री मोकल मामा जी, दाम मोकल सर जी, मोकल मामा जी, जतमा राठौड़, जो 700 वर्ष से भी अधिक यहाँ पे विराजमान है और अभी जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का, परिवार द्वारा उन परिवार को खूब खूब शुभकामना और बधाई। ये सुंदर अत्यंत ही नज़ारा जो देखने को मिल रहा है हमारे को, यह मोकलसर गांव की दृश्य है, आपको दिखाई देगा। ये दाता का धाम है और ये धाम बहुत ही चमत्कारी है और यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है जीर्णोद्धार का, परिवार द्वारा, भक्तजनों द्वारा ये धाम, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दाता के घोड़े का अनावरण अभी हुआ है परिवार द्वारा। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और 56 पहाड़ी में विराजमान है। यहाँ पर इस श्रावण की सोमवार का ये दृश्य जो मैं आप भक्तों सब जनों को दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर ये जो कुंड है दाता का, ये बहुत ही चमत्कारी है। यहाँ पानी आता रहता है और कभी इस कुंड में पानी कम नहीं होता है। और ये दाता का धाम हम सभी को बहुत ही लुभाता है, यहाँ आने के बाद इतनी शांति मिलती है, सुखदायक, जो मन को एकदम शांत कर देते हैं, जिसे बोलते ना हम एकदम आत्मा की शांति के लिए ये सुंदर नज़ारा, जैसे दूर से देखे तो हंसता हुआ मुख हमेशा दादा का दिखेगा आपको। और यहाँ पर लाइट पानी वगैरह सबकी व्यवस्था है यहाँ। और अभी इस मंदिर का कार्य बहुत ही कम समय में ज़्यादा कार्य हुआ है, परिवार द्वारा जो भक्त हैं उनकी तरफ से ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और काफ़ी भक्तों ने मंदिर में इसमें सहयोग लिया है, उनकी भी खूब खूब शुभकामना। ठंडे पानी की व्यवस्था, रहने के लिए व्यवस्था, ये दाता का दरबार है। और हम इस चौकट पे दाता के दरबार में जो भी मनोकामना लेकर आते हैं संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। ऐसे दाता का दरबार अतिथि मन को लुभावित करता है। और ये हवन कुंड, ये माँ गंगा व बयासा का धाम, जो ये इसको बोलते हैं हम पेड़ ब्रॉथ, बहुत ही प्राचीन है, प्राचीन पेड़ है जो धव बोलते हैं इसको राजस्थानी भाषा में। वो धव जो ये है काफ़ी वर्षों से यहीं पर ही है दादा के साथ में। जय मामा जी।